ये वीडियो देखने के बाद आई एम श्योर यू गोना ट्राई, आप लोग जरूर इसे। इफ एंड यू टू दिस चैनल प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आई नो यू गोना लाइक द वीडियो सो प्लीज वॉच। दिस इज वंडरस मॉइस्चराइजर, आई मस्ट से दैट बहुत अच्छा है, देखिएगा जरूर DIY फेस मॉइस्चराइजर। Hey my beautiful friends, Sunny Shining Life में आप लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम आप लोगों को एक बहुत ही सिंपल DIY फेस मॉइस्चराइजर बता रहे हैं। ऑल द मार्केट में वैरायटी ऑफ मॉइस्चराइजर्स आर अवेलेबल फॉर समर, फॉर रेनी सीजन, फॉर विंटर, फॉर ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ सीजन्स, यू नो क्लाइमेट्स के लिए अलग अलग तरह के आते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है ना कि ये डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर्स को समटाइम्स यू नो एक फिक्स रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम लोग मिक्स करते हैं और एक अलग तरह की मॉइस्चराइजर बनती है, एंड समटाइम्स दे आर बेटर। या तो चलिए आज हम इसी तरह से DIY मॉइस्चराइजर बना रहे हैं। DIY स्टैंड्स फॉर डू इट योर सेल्फ, सबको कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉइस्चराइजर को मिला करके एक अलग तरह की मॉइस्चराइजर बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक मॉइस्चराइजर। तो देखिए इस तरह के हैं सारे इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पे लेकर रखे हुए हैं, तो ये सब हम बताएंगे जैसे जैसे बनाते जाएंगे ना, तो आई विल बी टेलिंग एक्सप्लेनिंग टू यू। तो सबसे पहले यू नो एक छोटी सी डिब्बी लीजिए, क्लीन छोटी सी डिब्बी लीजिए, एंड देयर इज अ स्पून टू फॉर मेजरमेंट। तो ये है एलोवेरा जेल, पतंजलि के एलोवेरा जेल है, आप कोई भी एलोवेरा जेल ले सकती ग्रीन में है। तो दिस इज एलोवेरा जेल, इसे करीब 2 चम्मच आप इस तरह से करीब अराउंड 2 स्पूनफुल लेकर के इस डिब्बी में डालिए, 1 स्पून है एंड 1 मोर स्पूनफुल, करीब 2 स्पूनफुल इसे डालिए। ये मैं यहाँ बंद करके रख देती हूँ इस तरह से, ये हो गई। एंड इसके बाद पतंजलि एलोवेरा जेल की जो केसर वाली आती है ना, येलोविश आती है, दैट इज एलोवेरा जेल केसर चंदन, ये तो ये करीब अराउंड 1 स्पून वो भी ले लीजिए, 1 एंड 1.5 ले लीजिए इस तरह से। तो ये थोड़ी सी खत्म हो रही है मेरी, ये देखिए 1 स्पूनफुल एंड करीब अराउंड 1/2 ऑफ, 1 मिनट ये थोड़ी सी अराउंड ये करीब हो गई 1.5 हो गई, ये ले लीजिए यहाँ अच्छे से ये रख देते हैं। एंड टू दिस एड दिस इज गुलाब जल, यू नो रोज वाटर, वो करीब 1 स्पून, करीब जस्ट 1 स्पून, नहीं तो बहुत ज्यादा डालने से क्या होगा ना, बहुत लिक्विड हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा। एंड टू दिस दिस इज एमन ऑयल, तो ये एमन ऑयल अराउंड 1/2 टीस्पून, हाफ से ज्यादा मतलब लिटिल लेस देन 1 स्पून इस तरह से डालिए। अराउंड 1/2 स्पूनफुल आप लोगों को दिख रहा होगा, ये इसमें ऐड कीजिए। एंड देन टू दिस ऐड दिस विटामिन ई कैप्सूल, जो आराम से कहीं किसी भी मेडिकल स्टोर में आपको मिल जाएगा वो आप ले लीजिए, एंड उसमें 1 कैप्सूल, यू नो ओनली 1 कैप्सूल डालना है। तो ये निकाल रहे हैं एंड ये सीजर हम रखे हुए, सीजर से यू काटिए, अच्छे से काट कीजिए ऐसे, एंड दिस इज इट, और इसमें मिला लीजिए। विटामिन ई यू नो वेरी गुड फॉर आवर स्किन, एंड देन इसे इस तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स को, ये देखिए कितने अच्छे से ये है, एंड सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कीजिए इस तरह से। एंड देखिए कितने अच्छे इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, एंड कलर देखिए, ओ माय गॉड इट इज सो गुड, ये इतना अच्छा मॉइस्चराइजर है ना, डेली मॉइस्चराइजर, आप इसे रोज लगाइए, समर में लगाइए, विंटर में लगाइए, एंड एलोवेरा जेल के बेनिफिट्स तो पता है, देखिए कितनी क्रीमिश हो गई है, आप लोग खुद देखिए इधर कैमरे के पास हम ला कर दिखा रहे हैं थोड़ी क्लोजअप में, कितनी क्रीमिश हो गई है एंड कलर भी चेंज हो जाता है। तो इसमें इतने सारे यू नो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स है ना कि दे आर सो गुड फॉर, आई मीन जैसे कि बहुत ही विंटर, बहुत ज्यादा विंटर भी होता है ना, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। एंड एलोवेरा जेल यू नो उसके बारे क्या कहना, इतने बेनिफिट्स हैं, इसकी मेडिसिनल वैल्यूज भी है, और आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा जेल जो होता है ना, दोनों एलोवेरा जेल जितने भी तरह के एलोवेरा जेल आते हैं, दे आर द बेस मटीरियल फॉर ऑल काइंड ऑफ आयुर्वेदिक कॉस्मेटिक्स,
या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स या, तो इस तरह से बनाइए, इतने अच्छे से बनता है, बहुत ही सिंपल है। सारे इंग्रेडिएंट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा एंड इसे लगाना बहुत ही सिंपल है। तो अपने चेहरों को वॉश कर लीजिए एंड जब आपका चेहरा फुल्ली ड्राई मत होने दीजिए, वेन इट इज अराउंड 80% ड्राई हो गया एंड स्टिल यू फील कि इट इज वेट, तो ये हम पानी रखे हैं और तो वो आप अपने चेहरे में लगा लीजिए। तो हम आप लोग को दिखाते हैं, सिंस मेरे लिए बाथरूम में जाकर के ये करना मुश्किल है। एंड ये कोई भी मॉइस्चराइजर अपने ड्राई चेहरे में बिल्कुल नहीं लगाइए, उससे क्या होता है ना कि एकदम ड्राई चेहरे में लगाने से ज्यादा प्रोडक्ट, मतलब समझिए कि ज्यादा प्रोडक्ट लगाने की जरूरत ही क्या, जब थोड़ी सी वेट स्किन में हम लोग थोड़ी सी प्रोडक्ट लगा करके वी गेट द बेस्ट रिजल्ट, इजंट इट। तो ये हम आप लोगों को दिखाते क्लीन चेहरे में, आई जस्ट वॉश माई चेहरा एंड ये बना रहे थे ना, मेरा चेहरा ड्राई हो गया। तो हल्के से यू नो स्प्रे की जो वाटर सो दैट आपकी स्किन थोड़ी सी मॉइस्ट रहे, या एंड देन इसे थोड़े अपने हाथ में ले करके इस तरह से डॉट डॉट करके लगाइए पूरे चेहरे में, नेक में। आप अगर आपके हाथ पैर भी ड्राई हो गए ना तो आप अपने हाथ पैर में भी लगा सकती हैं, या नेक में तो डेफिनेटली, बिकॉज नेक भी बहुत जल्दी ड्राई होता है। ये इस तरह से मिक्स कीजिए, देयर आर सो मेनी वेज यू कैन यू आई मीन अप्लाई। आप अपने बॉडी में भी लगाइए, चेहरे में लगाइए एंड आई टेल यू इतनी अच्छी ये मॉइस्चराइजर है, इट इज सो गुड एंड सो नाइस और बहुत ही इजीली ब्लेंड हो जाता है और इसमें इतने अच्छे अच्छे इंग्रेडिएंट्स हैं ना, इतने हेल्दी एंड इतने बेनिफिशियल फॉर आवर स्किन टाइप, इट रियली रियली वर्क सो नाइसली। एंड अगर आप बहुत एक्सट्रीम क्लाइमेट में भी जा रहे हैं जहाँ वे बहुत ही ठंड है, तो आपको स्पेशल अलग से मॉइस्चराइजर फॉर वेरी ड्राई क्लाइमेट, फॉर वेरी कोल्ड क्लाइमेट खरीदने की जरूरत ही नहीं है, दिस इज एनफ। या इसमें सारी चीज है, यू नो रोज वाटर से एक बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, वेरी गुड एंड वेरी हेल्पफुल फॉर आवर स्किन, बहुत ही न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है इसके। ये देखिए हम आप लोगों को लगाकर दिखा रहे हैं, ओ गॉड कैन यू सी क्लोज अप में हाउ नाइस, कितना अच्छा हो गया कितना, और चेहरे में पता है एक अलग तरह की ग्लेज भी आती है। और आप इसे सुबह शाम दो बार लगाइए एंड इट रियली वर्क्स। एंड देन इसके बाद अगर आप चाहिए तो अपने हेवियर मेकअप कर सकती हैं, अगर कुछ हेवी मेकअप करना है लाइक पार्टीज में जाना है, कहीं भी जाना है, तो यू कैन यूज इट एज अ बेस एंड इसके ऊपर आप हेवी मेकअप कर सकती हैं। तो आज तो हम लोग आप लोगों को बताया बहुत ही सिंपल डेली मॉइस्चराइजर, बिकॉज डेली तो हम लोग हेवी मेकअप करते भी नहीं और करना भी नहीं चाहिए, ब्यूटिफुल स्किन इज द बेस्ट मेकअप, है ना। तो ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, तो इस तरह से लगाइए। और ये वाली यू नो डी आई वाई फेस मॉइस्चराइजर आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय सिस्टर, यू नो मेरा एक दूसरा चैनल है सॉर्वी शाइनिंग व्लॉग, वहां पे मेरी सिस्टर विजिटेड मी एंड उसने मुझे बताया, एंड वो जब तक थी ना तो आई वॉज यूजिंग हर दिस मॉइस्चराइजर जो खुद बनाकर लाई थी, तो आई जस्ट रियली लाइक इट, आई थॉट इतना अच्छा है तो क्यों नहीं हम आप लोगों के साथ शेयर करें। तो वो वाली लिंक हम आप लोगों को दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शेयर कर देंगे, वहां से जरूर देखिएगा। हम लोग गए थे खंडाला घूमने एंड जब वापस आए तो शी टोल्ड मी कि ऐसा से रेशियो प्रोपोर्शन वाला वाज सो नाइस, या तो है ना बहुत ही अच्छा, तो बहुत ही सिंपल है ना। तो आप लोग भी इस तरह से DIY कीजिए समटाइम्स, यू नो मिक्स एंड मैच करके, डेफिनेट रेशियो प्रोपोर्शन जरूर बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो दैट कम्स, तो तीसरे तरह की दूसरे तरह की मॉइस्चराइजर बन जाती है एंड दे आर बेटर, आई टेल यू ऑनेस्टली, एक बार जरूर ट्राई कीजिए, या सो दैट्स ऑल। मेरी वीडियो आज बहुत ही सिंपल रहेगी एंड आई होप आप लोगों को मेरी सिंपल DIY डेली फेस मॉइस्चराइजर पसंद आई है। पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल में, कमेंट डेफिनेटली दीजिए और मिलेंगे आप लोगों से बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर।